दोस्तों, अगर आपने कोई ट्रेन टिकट किया हुआ है और आप टिकट को कैंसिल करना चाहते हैं, तो आप अपने ट्रेन टिकट को कैंसिल कैसे करेंगे? तो ट्रेन टिकट कैंसिल करने में आपको कितना चार्ज कर सकता है और कितना पैसा रिफंड आएगा और कितने दिन में आपका पैसा रिफंड आने वाला है, सारा कुछ मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। और आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से आप टिकट को कैंसिल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप में किसी भी एक ब्राउजर को ओपन करना है और यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स में टाइप कर देना है IRCTC और आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे IRCTC ई टिकट का ऑप्शन दे दिया गया है। तो दोस्तों, इसी वाले ऑप्शन पे आपको एक बार क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप इंडियन रेलवे की ऑफिशियल पोर्टल पे लॉगिन हो चुके हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर आपको टिकट आपने बुक किया हुआ है और आपको टिकट कैंसिल करना है, तो सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे लॉगिन करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है, इसी वाले ऑप्शन पे आपको एक बार क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका लॉगिन पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों आपसे यूजर नेम और यहाँ पे आपसे पासवर्ड पूछा जा रहा है और दोस्तों यहाँ पे आपको कैप्चा कोड भरना होगा, ठीक है। तो दोस्तों, आपका जो भी यूजर नेम और पासवर्ड है यहाँ पे टाइप करेंगे, कैप्चा कोड भरेंगे, साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे भर दिया है, कैप्चा कोड भर दिया है। अब यहाँ पे मैं फाइनली लॉग इन वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करूंगा। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे इंडियन रेलवे की ऑफिशियल पोर्टल पे मैं यहाँ पे लॉग इन हो चुका हूँ। दोस्तों, यहाँ पे हमारा वेलकम टू आपका नाम लिख के आ चुका है, ठीक है, और यहाँ पे आपका आईडी दे दिया गया है, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका लॉग आउट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है कि जो टिकट आपने बुक किया हुआ है उसको आपको कैंसिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको माई अकाउंट का ऑप्शन दिया हुआ है, दोस्तों इस पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको माई ट्रांजेक्शन का ऑप्शन दिया है दो नंबर पे, इस पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको इधर आना है और यहाँ पे देख सकते हैं कि बुक्ड टिकट हिस्ट्री का ऑप्शन दिया है, तो इसी वाले ऑप्शन पे आपको एक बार क्लिक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जितना भी टिकट बुक हुआ है यहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दे दिया गया है, सारा लिस्ट यहाँ पे आपका आ चुका है जितना भी आपने टिकट बुक किया है, ठीक है। तो दोस्तों, आपको कौन सा टिकट को कैंसिल करना है उस टिकट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको सेंटर में आके क्लिक कर देना है एक बार, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको टिकट का पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पे आप सारा डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पे सारा डिटेल्स देखने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको नीचे आना है और यहाँ पे देख सकते हैं कैंसिल टिकट का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों, इसी वाले ऑप्शन पे आपको एक बार क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, टिकट कैंसिल करने से पहले आप एक बार अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा कि आप जो टिकट कंफर्म किए हैं उसी को आप कैंसिल करना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। अन्यथा आप दूसरा भी टिकट कैंसिल कर सकते हैं, तो आप इसको मिस मत करिएगा, ठीक है। अच्छे तरीके से आप ध्यान से देख लीजिएगा कि आप जिस टिकट को कैंसिल करना चाहते हैं वही टिकट आप कैंसिल कर रहे हैं ना। अगर कैंसिल कर दिए तो उसके बाद आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है IRCTC की, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका कन्फर्मेशन का ऑप्शन दिया हुआ है कि या क्या आप सच में आप अपने टिकट को कैंसिल करना चाहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका सारे डिटेल्स यहाँ पे शो करके आ जाएगा, ठीक है। सारा कुछ यहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका एक टिकट बुक है। और दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका बुकिंग स्टेटस यहाँ पे आपको शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे करंट स्टेटस शो कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, आपको टिकट को कैंसिल करना है तो यहाँ पे आपको इस नेम के आगे यहाँ पे आपको चेकबॉक्स लगा देना है। जैसे ही चेकबॉक्स लगाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपका कैंसिल टिकट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे कैंसिल टिकट वाले ऑप्शन पे एक बार आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे फिर से कन्फर्मेशन किया जाएगा, ठीक है। तो क्या आप अपने टिकट को कैंसिल करना चाहते हैं? तो दोस्तों, यहाँ पे आपको यहाँ पे यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर कैंसिल करना है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करके यहाँ से भी आप बैक जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस टिकट को मुझे फाइनली कैंसिल करना है, ठीक है। आपको लाइव प्रोसेस में आपको करके दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों, आपको क्या करना है कि यस वाले ऑप्शन पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका टिकट कैंसिल हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं करंट स्टेटस आपको दिखाया जा रहा है, कैंसिल का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। यानी आपका टिकट कैंसिल हो चुका है। और दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेलवे कैंसिलेशन चार्ज यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ठीक है।
आपसे 65 रुपीज कैंसिलेशन चार्ज, आपके जितना भी अमाउंट कटा है उसमें से आपको 65 रुपीज काट लिया जाएगा, ठीक है। और आपको रिफंड अमाउंट यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ठीक है, यानी 2400 आपको आपके बैंक अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। जिस भी माध्यम से आप अपने टिकट को कंफर्म किया है उसी अकाउंट में आपका पैसा रिफंड हो जाएगा, 2400 रुपये आपके उसी बैंक अकाउंट में आपका रिफंड हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की थोड़ा सा भी ज़रूरत नहीं है, आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में 24 से 48 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। दोस्तों इस तरह से आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आप अपने रेलवे टिकट को कैंसिल कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों मैं दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।